स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही लेजेंडरी चीज़। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। फिलहाल मैंने जितने भी लूट की थी एंड उसमें से मुझे डायमंड की पिकैक्सेस तो चाहिए ही चाहिए होंगी, क्योंकि भाई तुम्हें पता है जो चीज़ मैं बनाने वाला हूँ यानी कि क्या कहते हैं ऑब्सीडियन बेडरॉक। तो बेडरॉक को बनाने के लिए वो तो मुझे लगेगा, इसके लिए मुझे जितना हो सके उतनी ये चाहिए क्या कहते हैं डायमंड की स्वॉर्ड्स, सॉरी डायमंड की पिकैक्सेस। तो फिलहाल मैं वो कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हुआ है एंड मैं नहीं ये करने वाला। और ये बहुत ज़्यादा इनोइंग काम है कि जाओ भैया अब एंड में कलेक्ट करो फलानी चीज़ करो, अब दिमाग ख़राब हो जाता है ना। तो ये भी बड़ी मुश्किल से सोचा कि मैं हाँ भी बनाता हूँ एंड यस मेंडिंग है ना, चलो चलो मेंडिंग वाली पे क्या एक्सेस चाहिए मुझे, क्योंकि ये रिपेयर कर सकता हूँ मैं एंड अनब्रेकिंग। चलो फिलहाल बहुत ज़्यादा पिक एक्सेस तो कर चुका हूँ एंड आई थिंक सो इतनी इनफ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैग नहीं चाहिए मुझे। तो सबसे पहले थोड़ी सी इन्वेंट्री मुझे सॉर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एंड में मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं ले जा हूँ, कबाड़ यहाँ बहुत ज़्यादा भर चुका है। चलो इसको छोड़ो एंड देखो अब मुझे एंड में जाना है एंड वो क्रिस्टल्स नहीं होते क्या कहते हैं उनको, एंड क्रिस्टल्स जो भी होते हैं वो चाहिए एंड इसको कलेक्ट करना एंड ये अकेला कर इसको छोड़ दो। सबसे पहले अपनी सबसे रेयर आइटम एंड ये यहाँ जाएगा और उसके बाद थोड़ी इन्वेंटरी शॉर्ट की जाएगी। तो अब देखो इन्वेंट्री कैसे सॉर्ट की जाएगी, ये जितने भी मतलब फ़िलहाल मुझे शल्कर बॉक्सेस नहीं चाहिए जैसे ये हुए, इन सब को मैं फ़िलहाल साइड में रख दूंगा। इससे मेरी इन्वेंट्री 90% ऑफ दी सॉर्ट हो चुकी है एंड अब जैसे ये चाहिए कोरस फ्रूट का क्या करूँगा मैं एंड मुझे ब्रेड चाहिए बट एक ही स्टैक ब्रेड चाहिए, तो इतनी ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है। तो बस अब आपको मिलता हूँ नेदर में एंड यस। स्वागतम स्वागतम मेरे रॉकेट्स खत्म होने वाले हैं। देखो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एंड मेरे रॉकेट्स खत्म होने वाले हैं भाई, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखो मैंने फिलहाल 2 स्टैक से ज़्यादा ऑक्सीजन कलेक्ट कर ली है एंड अब मुझे ये सारे कलेक्ट करने हैं। देखो देखो जो मैं बेडरॉक बनाने वाला हूँ उसकी लेंथ जो है ये 10 मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घटाई जो भी होता है वो 10-10 ब्लॉक्स की रखूँगा एंड ये कलेक्टेड और मुझे सारे ये कलेक्ट करने हैं एंड मतलब जितने टोटल ये है कलेक्ट करने हैं एंड कितने हुए बहुत कम है क्या कर सकता हूँ अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कंक्रीट पाउडर है ना, चलो ये तो कंक्रीट हो गया। चलो अब तुम्हें बताता हूँ मुझे मेनली 3 कलर चाहिए, एक तो हुआ देखो ऑब्सीडियन, दूसरा चाहिए ग्रे वाइट ग्रे, एक चाहिए हल्का सा डार्क ग्रे ऐसा कलर। अब ये करना पड़ेगा क्या करूँ, और अब देखो उसके लिए थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ये ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी भैया एंड फटाफट से इसको तोड़ लेता हूँ। देखो सैंड कलेक्ट करनी पड़ेगी एंड ग्रेवल तो भीख मांग मांग कर करूँगा, क्या अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ग्रेवल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भैया इसको कलेक्ट करने में ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिलहाल कोल को मैं यहीं पर रख रहा हूँ क्योंकि अगली वीडियो में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो मुझे मजदूरी करते हुए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से एंड मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल कितना काम हुआ बेडरॉक का। देखो ये बेडरॉक की तरह लग तो नहीं रहा है बट थोड़ा बहुत भी नहीं लग रही है, बट थोड़ा बहुत तो लगेगा ना। तो सबसे पहले 4 ब्लॉक ऐसे जाऊँगा, एक ब्लॉक यहाँ ऐसे, एक आएगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी शेड्स याद है ना,
अब वही बना रहा हूँ। एंड यस ये आएगा यहाँ पर पे एक ऑब्सीडियन, यहाँ पर पे थोड़े से और ऑब्सीडियंस, एंड फिर थोड़ा सा यहाँ पर लगेगा। चलो मैंने दो स्टैक्स ऑब्सीडियन लाए थे, नहीं तो मैं एंड चेस्ट तोड़ दूंगा ऑब्सीडियन की। अब मेरे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होने वाली। तो ये हुआ एक दो, यहाँ करो ऐसा, यहाँ नहीं यहाँ, ओके यहाँ लगेगा ये, यहाँ आएगा ये और यहाँ आएगा ये, एंड यस एंड या ये हुआ। अब चलो और तुम्हें एक बार लुक दिखा देता हूँ उसका यहाँ से। अब सीढ़ी बेडरॉक कुछ इसी तरह का होता है, बस थोड़े से शेड देने के लिए ऐसे लगा रहा हूँ, देखो समझो थोड़ा सा। एंड ये कुछ लग रही है, मुझे लग रही है बेडरॉक की तरह, आपको नहीं लग रहा तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, बट कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए भी करेंगे, आपकी वजह से तो चल रहा है ना चैनल, तो आपके लिए भी बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रही है तो बढ़िया है, नहीं लग रही है तो और अच्छा बना देंगे। देखो बेडरॉक में मेनली दो चीज़ें ज़्यादा है, एक तो ब्लैक और एक ग्रेस टाइप। मैं ग्रेस ग्रे तो नहीं है पर ब्लैक की ब्लैक है मेरे पास, ब्लैक को यूज़ कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा शेड्स वगैरह दे रहा हूँ, और यहाँ बीच में ऐसा वाइट ब्लैक, पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बट जो भी बन रहा है ठीक बन रहा है। तो मिलता हूँ आपको बेडरॉक बनाने के बाद। वेलकम वेलकम वेलकम। तो देखो ये बेडरॉक, देखो यहाँ से बेडरॉक नहीं लग रहा पर दूसरी साइड से ज़रूर लगेगा। देखो बेडरॉक की तरह ज़रा सी शेड दी है मैंने, मैं कुछ खास कारपेंटर या पेंटर डिज़ाइनर नहीं हूँ, ना मुझे कुछ खास आता है, बट जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैंने बनाया है एंड बेडरॉक ये ठीक लग रहा है। बेडरॉक जितना ये मुझे ठीक लग रहा है, बढ़िया है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। एंड भाई देखो एक साइड से ये ख़राब बना है जो कि है, ये वाली साइड यहाँ लग रहा है कि नहीं भाई बेडरॉक की तरह है, बीच में बस थोड़े से ऑब्सीडियन लगाने पड़ते पर ऑब्सीडियन की भी कमी थी। इस साइड से मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा है क्योंकि इसमें वाइट बहुत ज़्यादा है बट ब्लैक बहुत कम है, बट यहाँ पर ठीक ठाक ब्लैक लगा हुआ है। आई होप ये थोड़ा सा लग रहा होगा बेडरॉक की तरह। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो बढ़िया है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और ये देखो इस साइड से थंबनेल एकदम बढ़िया फोटो आई ना, चलो थंबनेल के लिए ठीक है, चलो थोड़ा सा पीछे से एकदम बढ़िया, तो ठीक है मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। दे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।